आदि मानव जानवरों से डरते थे। उनका डरना भी स्वाभाविक था क्योंकि उनके पास कोई हथियार नहीं था जिससे कि वो अपना सुरक्षा कर सके। हर आदि मानव अपने भोजन के लिए दिन भर जंगल में इधर उधर भटकता रहता था। वे फल फूल पौधे की जड़ खाकर अपना जीवन गुजर बसर करते थे। अपने से कमजोर जानवरों का शिकार करके उनके कच्चे मांस को भी खाते थे। लेकिन खतरनाक जानवरों से अपना जान बचाना भी एक मुश्किल भरा काम था। दिन में वो आसानी से अपनी रक्षा कर लेते थे और रात में अपनी रक्षा के लिए गुफा या फिर पेड़ों में सोते थे। जानवरों की मारने और जड़ों की खुदाई के लिए केवल हाथ ही काफी नहीं थे। ऐसे कार्य के लिए आदि मानव लकड़ी को पत्थर की सहायता से नुकीला करके खुदाई और शिकार करने लगे। मजबूत चमड़ी वाले जानवर और लकड़ी को काटने के लिए नुकीले पत्थर का इस्तेमाल करते। इन्हीं पत्थरों और लकड़ी की सहायता से आदि मानव हथियार भी बनाने लगे। आदि मानव ने सबसे पहले कुल्हाड़ी बनाया जो कि आदि मानव के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ऐसे ही धीरे धीरे पत्थरों की सहायता से बहुत सारे औजार बनाने लगे। इस समय की सभ्यता आदि मानव का पाषाण काल कहलाया। आदि मानव अधिकतर जंगलों में आग लगा देखते थे परंतु उन्हें समझ में नहीं आता था कि ये क्या है। आग को आदि मानव सबसे खतरनाक जानवर समझते थे क्योंकि आग से जंगल के सभी जानवर चाहे वो शेर हो या हाथी सब डरते थे।